नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। प्रदेश प्लस की शुरुआत हम कुशीनगर से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बच्चों से भरी बस जो है वो पलट गई। हादसे में 26 स्कूली छात्र घायल भी हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का इलाज जारी है। सुदियानी से कप्तानगंज जाते वक्त ये हादसा हुआ। क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल की ये बस थी, जिसमें बस पलट जाने की वजह से हादसे में 26 स्कूली छात्र जो हैं वो घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का इलाज जारी है। सुदियानी के से कप्तानगंज ये बस जा रही थी, जिस वक्त ये हादसा हुआ और ये हादसे में बस पलट गई और जो भी बच्चे इसमें छात्र शामिल थे उन्हें चोट भी लगी है। आप ये देखिए, बस पूरी पलट गई। कुशीनगर में ये हादसा हुआ है, जहाँ पर बच्चों से भरी ये बस पलट गई और बच्चों को फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी अखिलेश। फिलहाल बच्चों की स्थिति कैसी है? जी दीपिका, आपको बता दें कि ये सुबह की घटना है, जब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। बस ओवर स्पीड की वजह से अनियंत्रित होकर ये नाले जो नहर थी नहर में पलट गई, जिसमें लगभग 26 बच्चे घायल हैं। बस में सवार सभी 26 बच्चे घायल हो गए। लोगों की मदद से उनको सीएचसी पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है। जी अखिलेश, बस पलटने के पीछे की वजह क्या कुछ निकल के सामने आ रही है? जी आपको बता दें कि जो ग्रामीण थे मौके पे, वो बताया कि बस की ओवर स्पीड की वजह से वो बस पलटी। आगे से एक गाड़ी आ रही थी, जिसको साइड देने के चक्कर में बस पलटी है, कि सड़क पतली थी और बगल में नहर थी, स्पीड ज्यादा थी, जिसकी वजह से बस पलट गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस जानकारी के लिए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।